देखो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल घंटी को ऑल पर सेट कर लो। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो बॉस, इंडियन सिनेमा में रिलीज फिल्में बहुत रेयर देखने को मिलती है, क्योंकि उसके लिए अच्छा खासा विजन चाहिए प्लस हिम्मत, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट पर हाथ डालना मतलब कंट्रोवर्सी का सांप गले में डालना। एक छोटी सी गलती और आपका करियर लिटरली ख़त्म हो सकता है, लेकिन इस खतरे के बाद भी अगर कोई आगे बढ़कर कोशिश करता है तो या तो पागल होगा या फिर सच में जीनियस। फैसला आप करोगे। हनुमान या फिर हनुमान एक स्मॉल बजट फिल्म है दोस्तों, जिसका सपना बहुत बड़ा है और सब्जेक्ट उससे भी बड़ा, और कंपटीशन तो पूछो ही मत। क्या सच में सिर्फ 50 करोड़ में बनने वाली फिल्म हॉलीवुड के डीसी मार्वल को टक्कर दे सकती है? चलो बताता हूँ। स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, ये सब बड़े बड़े हीरो के नाम आपने पक्का सुना होगा, लेकिन ज़रा दिमाग लगा के बताना। अगर यह सूट पहनने वाला हीरो ही आपके सामने सुपर विलन बन के खड़ा हो जाए, माने जान बचाना नहीं लेना शुरू कर दे, तो कौन बचाएगा? आपका जवाब वही है जिन्होंने भगवान राम को माता सीता से मिलवा दिया और एक उंगली पे पूरा पहाड़ उठा लिया था। हनुमान की बात हो रही है दोस्तों, जो हिस्ट्री में लिखी कुछ बातों के हिसाब से आज भी धरती पर मौजूद है। कहाँ मिलेगा? बस वही जवाब दिया है इस फिल्म ने। कहानी एक मामूली सी लड़के की है, जो पैदा उस गांव में हुआ है जहाँ कभी भगवान हनुमान रहा करते थे, और अपना हीरो प्यारा प्यार में पड़ गया। लेकिन ये सिंपल सी लव स्टोरी ट्रायंगल में तब बदल जाती है जब पागल साइंटिस्ट इस लड़के को ढूंढता हुआ इस छोटे से गांव में एंट्री मारता है। वजह जान के आप भी चौंक जाओगे। एक बड़ी सी ट्रेन फुल स्पीड में अपने हीरो के ऊपर से गुजर जाती है, जोर की टक्कर मारती है, लेकिन हीरो वैसा का वैसा, नो फर्क कैसे क्यों हाउ, जैसे आपको पता लगाना है वैसे ही साइंटिस्ट को भी सारे जवाब चाहिए। साथ में इस लड़के की पावर का सीक्रेट ढूंढना, जिससे ये खुद सुपर हीरो या फिर सुपर विलन बनके पूरी दुनिया की किस्मत लिख सकता है। बहुत सीधी सी बात है, नो बकवास, सिंपल सी बात है दोस्तों। फिल्म का एक एक्स फैक्टर खुद इसके नाम पे छुपा है। हनुमान जब ये फिल्म में आते हैं पूरी फिल्म बदल जाती है। आप इस फिल्म को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो दोस्तों, एक हनुमान के साथ और एक दूसरी हनुमान के बिना। जो पार्ट हनुमान के बारे में है वहाँ रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों आपके। स्पेशली जब यह कहानी एक बंदर अपनी आवाज़ में बताए तो भूल कैसे पाओगे। फिल्म के क्लाइमेक्स में लॉर्ड हनुमान का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। वो सीन शायद पूरे इंडियन सिनेमा का फ्यूचर बदल सकता है। एक जगह पे क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा कि बंदूक की गोलियों से भगवान श्री राम का इमेज बना दी। डायरेक्टर साहब ने यहाँ पे सीटियाँ तालियाँ पक्का बजेगी, लेकिन गड़बड़ चीज़ है, हनुमान के बिना वाली फिल्म यहाँ पे कहानी थोड़ी वीक है दोस्तों। अपना हीरो जैसा फील नहीं होता, सबूत के साथ बताता हूँ। कांतारा देखी है? उसमें जब शिवा भगवान का वरा अवतार लेता है, वहाँ तक पहुँचने से पहले पब्लिक को इतना बैक स्टोरी समझा देते हैं कि फाइनल सीन में हम मान लेते हैं कि शिवा भगवान बन चुका है, लेकिन हनुमान में अपने हीरो डिफाइन करने के लिए जो कहानी होनी चाहिए फिल्म के, और वो एक कदम मिसिंग है यार। इसीलिए जब आप इसको भगवान हनुमान के साथ कंपेयर करते हो ना, तो दिल दिमाग दोनों थोड़ा कन्वेंस नहीं हो पाता। जैसे कि यह सीन देख रहे हैं तो हाथों से हेलीकॉप्टर को पकड़ लेना आइडिया अच्छा है, लेकिन भरोसा नहीं हो सकता, क्योंकि कहानी नहीं जो आपको समझा सके कैसे हुआ। VFX और स्पेशल
इफेक्ट बैकग्राउंड एक लिमिट तक मदद कर सकता है, और मानना पड़ेगा सिर्फ 50 करोड़ में इस लेवल की क्वालिटी अचीव करना बहुत बड़ी बात है यार। 400 करोड़ में अगर बॉलीवुड ब्रह्मास्त्र बनता है और 50 करोड़ में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कार्तिकेय 2 हनुमान जैसी मूवी डिलीवरी करती है तो भैया ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं पब्लिक को यह समझाने में कि अगली बार बजट नहीं कंटेंट के दम पर फैसला करना है टिकट बुक करने के से पहले। लेकिन हनुमान मेकर्स की दूसरी गलती यह है कि इतनी बेहतरीन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद भी यह फिल्म सुपर हिट हुई दोस्तों। तो ये फिल्म आप लोग एक बार ज़रूर देखें दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन मूवी है दोस्तों, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।